इस वक्त मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी बाल गणेश। आज मैं जिस पवित्र जगह पर खड़ा हूं वो बादलों के बीच हिमालय पर्वत की एक चोटी है जिसका देवताओं का रखा नाम है कैलाश। आज की दुनिया को अगर ग्लोबल वार्मिंग का दर्द न हुआ होता और ग्लेशियर के दिल पीड़ा से पिघले न होते तो शायद आप भी इस सपनों से सुंदर दुनिया का कुछ अंदाज़ा लगा पाते। मेरे इर्द गिर्द ये जो फूल और वनस्पतियां दिख रहे हैं उनके भीतर से जैसे कोई सदाबहार रोशनी निकल रही है। यहाँ की भीनी सी शीतलता जैसे मेरी रूह तक उतर कर मेरे हर दुख दर्द हर तकलीफ को दूर कर रही है। कैलाश पर्वत है ही ऐसी जगह। भोले भंडारी शिव और उनकी पत्नी पार्वती जो रहते हैं यहाँ, उनके बेटे कार्तिकेय यहाँ नहीं हैं और लगता है उनके दूसरे पुत्र के इंतजार में कैलाश दम साधे बैठा है। अभी जिस शिला की आड़ में मैं ध्यानमग्न बैठा हुआ हूँ वो कैलाश पर्वत का बाहरी हिस्सा है। वो गुफा जहाँ उनका निवास स्थान है वो तो मेरी कल्पनाशीलता के घेरे से भी बाहर है। वैसे जहां तक मैं पहुंच आया हूं देवता भी वहां कदम रखने में सकुचाते होंगे, लेकिन आज कैलाश के रक्षक यानी शिव के गण इस तरफ मुझे दिखाई नहीं दिए तो मैंने अंदर जाने का दुस्साहस कर ही डाला। तब मुझे पता चल गया कि क्यों आज नंदी आदि गण दिखाई नहीं दिए, क्यों हवाएं डमरू के संगीत पर नहीं झूम रही, क्यों सब तरफ एक इंतजार सा पसरा हुआ है। असल में आज कैलाश को शिव के लौटने की प्रतीक्षा है। शिव का राज्य है ही दिग्दिगंत तक फैला। तीनों लोक चारों दिशाएं सभी की देखरेख बहुत प्यार से करते हैं शिव और पार्वती। ये बात अलग है कि क्रोध आ जाए तो फिर वो विनाश की चरम सीमा तक भी पहुंच सकते हैं। इस समय भी शिव पूरे विश्व का भ्रमण यानी दौरा करके किसी भी वक्त वापस कैलाश पर्वत पर लौट सकते हैं, इसीलिए तो सभी रक्षक आदि उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सारी सेविकाएं भी पार्वती के श्रृंगार की तैयारियों में लगी हैं। कोई फूलों की वेणी गूंथ रही है तो कोई उपटन के लिए चंदन का लेप तैयार कर रही है, किसी के हाथों में सुगंधित तेल का पात्र है तो कोई शीघ्रता से पार्वती के कपड़ों को सजा संवार रही है। लेकिन पार्वती खुद कुछ परेशान है। उन्हें स्नान के लिए देर हो रही है और इस समय दरवाजे पर खड़ा होने के लिए कोई भी नहीं है। कहीं बीच में ही कोई आ गया तो? कभी कभी मैं सोचता हूं कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं ये परमेश्वर। शिव अधीरता से बेचैनी से लंबे समय बाद अपने घर लौट रहे हैं और उतनी ही अधीरता से पार्वती उनके स्वागत की तैयारियां कर रही हैं। वो महाशक्तियां जिनकी ताकतों का न कोई ओर है न कोई छोर, कभी कभी सबके कल्याण के लिए ऐसी लीला रचाते दिखते हैं, क्योंकि शीघ्र ही आदि गणेश की परम शक्ति एक नन्हे बच्चे के रूप में कैलाश पर्वत पर पधारने वाली है। इसीलिए अब यहाँ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो समय के दस्तावेजों पर गहरी छाप छोड़ जाएंगी। तभी मैंने देखा कि एक गण दौड़ता हुआ आया और सेविका को कुछ सूचना देकर वापस लौट गया। सेविका ने फूलों की टोकरी नीचे रखी और तेजी से अंदर की ओर चली गई, वहीं जहां पार्वती अपने शिव का इंतजार कर रही हैं। सेवकों के चमकते चेहरे और उल्लास से थिरकते कदमों को देखकर मैं समझ सकता हूं कि शिव अब अपने घर के और पास आ चुके हैं। उधर पार्वती को जितनी बेचैनी से अपने पति शिव की प्रतीक्षा है उतनी इस वक्त थोड़ी उलझन भी है। स्वागत की सभी तैयारियां तो हो चुकी, बस खुद उनका श्रृंगार अभी बाकी है, लेकिन सभी लोग तो किसी न किसी काम में व्यस्त दिख रहे थे। कोई तो हो जो उनके कक्ष के दरवाजे पर पहरा दे। कहीं शिव के आने की सूचना देने को उत्साहित कोई गण अचानक अंदर ही न चला आए। लेकिन सारे रक्षक भूत प्रेत गण आदि तो महादेव की अगवानी करने पर्वत की बाहरी सीमा तक चले गए थे। मैं भी सोच में डूब गया कि अब रखवाली होगी कैसे। लेकिन कुछ देर बाद नजरें उठाई तो हैरान रह गया। एक बहुत सुंदर बालक वहां खड़ा था। पार्वती के बगल में खड़ा बिल्कुल उन्हीं का प्रतिरूप लग रहा था, उनका बेटा। पार्वती उसके माथे को प्यार से चूमकर उसके घुंघराले बालों को ममता से सहला रही थी।
वो बच्चा भी उनसे लिपटा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें अपनी माँ के चेहरे पर एक टक लगी हुई थीं और माँ पार्वती की आंखों से दुलार छलका पड़ रहा था। किसी योग से उस बालक का जन्म हुआ हो या पार्वती के उपटन से उसकी रचना हुई हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन उन दोनों में अद्भुत प्रेम की झलक देखकर मेरी अंतरात्मा तृप्त हो रही थी। ये अमृत मुझे मिलता रहे, मैंने दुआ मांगी, लेकिन मुझ अधम की दुआ कबूल कहाँ होने वाली थी। पार्वती का हृदय प्यार से छलका आ रहा था। उनके दिल का टुकड़ा ही तो था उनका ये बेटा। वो नजरें भरकर उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थीं कि कहीं उनके बेटे को उनकी नजर ना लग जाए। इतना सुंदर बच्चा प्रकृति ने भी कहाँ देखा था। अपनी माँ का आंचल थामे वो मुस्कुराया तो मानो चट्टाने भी पिघलने लगी। पेड़ों ने झूम कर दिव्य फूलों की जैसे बरसात कर दी। लताएं डालों से लिपट गईं और पंछी शहद सी आवाज से हवा में रस घोलने लगे। पार्वती ने अपनी उंगली के छोर से अपने आंखों के काजल को लेकर उस बच्चे के चौड़े माथे के दाईं ओर एक डिठौना लगा दिया। वही काला टीका जो माएं अपने बच्चे को बुरी नजर से बचाने को लगाती हैं, लेकिन इससे तो उनके पुत्र की मासूमियत और भी बढ़ गई थी। पार्वती ने बरबस उसे खींचकर हृदय से लगा लिया। दोनों इसी तरह खड़े रहे। समय जैसे थम गया। मेरी तो पलकें झपकाने तक की इच्छा नहीं हो रही थी। अचानक दूर कहीं से आवाजें सुनाई दी। उनका ध्यान टूटा। शिव की सवारी अब कैलाश के पास आ रही थी। पार्वती ने बेटे के गालों को चूम कर उसके सर पर आशीष का हाथ रखा और दरवाजे के अंदर चली गई। उस बालक ने भी फटाफट वहीं पड़े तिनकों टहनियों लताओं आदि को समेटकर एक बचकाना सा धनुष तैयार कर लिया, कुछ तीर भी बना लिए और मुस्तैदी से ऐसे खड़ा हो गया जैसे माँ की सुरक्षा का सारा दारोमदार अब उसके दो नन्हे कंधों पर ही हो। एक हिरन वहां भटकते हुए आ गया तो उसके मासूम चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वो हिरन जब दरवाजे की ओर बढ़ा तो एक तीर ने उसका रास्ता रोक लिया बिना नुकसान पहुंचाए। जल्द ही दूर सुनाई देता शोर अब खुशी के कोलाहल में बदल गया। कैलाश पर्वत पर शिव के चरण पड़ चुके थे और अब वो तेजी से इसी ओर बढ़े चले आ रहे थे अकेले। कुछ पलों के बाद ही वो पार्वती के कक्ष के सामने खड़े थे। उनको वहां ना पाकर उनकी बेचैनी हैरानी में बदल गई। वो दरवाजे की ओर बढ़े ही थे कि एक सनसनाते तीर ने उनका रास्ता रोक लिया। उनके कदम ठिटक गए। एक निगाह उस बांस के बने पर नुकीले तीर पर डालकर उन्होंने दूसरी ओर देखा। जहां से वो तीर आया था उस तरफ जब देखा तो शिव की हैरानी दुगनी हो गई जब उन्होंने एक प्यारे से बच्चे को हाथ में धनुष पकड़े प्रत्यंचा चढ़ाए देखा। उसके भोले से चेहरे को देखकर शिव के अंदर ममता हिलोरे लेने लगी। उसके घुंघराले बालों पर उनका हाथ खुद बखुद चला गया। तुम कौन हो बेटा, यहां कैसे आ गए? लेकिन बच्चे के पास ये सूचनाएं तो थी ही नहीं। वैसे भी उसका काम तो बस मां के कक्ष के अंदर किसी को भी घुसने से रोकना था। सिर्फ अपनी मां को पहचानने वाला यह बालक सिर्फ उन्हीं की बात मान सकता था। वो चुप खड़ा रहा। शिव ने अपनी आवाज को मुलायम बनाते हुए उसे किनारे हटाने की कोशिश की। बेटा कहीं और जाकर खेलो। अभी उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि दूसरा तीर उनके बिल्कुल पास से सनसनाता निकल गया। शिव के चेहरे पर बढ़ती जा रही गुस्से की लकीरों के साथ ही मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ अशुभ घटने वाला था। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पूरी कायनात ने जैसे धड़कना बंद कर दिया था। पूरी सृष्टि उस वक्त एक घेरे में सिमट कर रह गई थी जिसमें एक तरफ सांवले बलिष्ठ बदन वाले महाशक्तिशाली सर पर जटाजूट बनाए एक हाथ में अपना त्रिशूल पकड़े शिव खड़े थे तो दूसरी ओर कोमल शरीर वाला वो बच्चा खड़ा था जो मुश्किल से उनकी कमर तक पहुंच पा रहा था। घुंघराले बालों के बीच उसका चेहरा बदली में चांद सा चमक रहा था। शिव जैसा ही तेज झलक रहा था। पार्वती के जैसी उसकी बड़ी बड़ी आंखों में इस समय शिव के लिए गुस्सा था क्योंकि वो उसकी मां की इच्छा के विरुद्ध अंदर जाना चाह रहे थे।
और कोमल गुलाबी होंठ दृढ़ता से बिछे हुए थे। धनुष भी छोटा सा था, पर उसे मजबूती से पकड़ने वाले नन्हे हाथों की नसें खिंची हुई थीं। माँ के कक्ष में वो किसी को नहीं जाने दे सकता था, फिर चाहे वो कोई भी हो। जिसका गुस्सा प्रलय ला सकता है, उन शिव ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश की। और कोई वक्त होता तो शायद वो उस बच्चे के साथ बातचीत करते, उसे प्यार से समझाते, पर इतने दिनों बाद लौटे बेचैन शिव से दरवाजे के अंदर जाने से रोका जाना सहन नहीं हो रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने गुस्से से उस बालक की ओर चेतावनी देते हुए घूरा। उनके त्रिपुंडधारी माथे के बल और आंखों में उभर आए लाल डोरे किसी भी देवता, दैत्य, भूत, प्रेत, गण वगैरह को दहला देते। लेकिन सामने, दरवाजे के सामने डटे उस मासूम चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। अब शिव ने उसे बलपूर्वक एक तरफ हटा के धक्का दे ही दिया और गुस्से से आवाज लगाई, पार्वती! उनके इस नाद से पार्वती सिहर उठी। उनके पति शिव उनके अनुमान से जल्दी कैसे आ गए थे और इतना गुस्सा किस पर कर रहे थे? कहीं अपने बेटे पर ही तो नहीं? वो जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ी और दरवाजे के पट खोले और अवाक रह गईं। दरवाजे के सामने उनके पुत्र ने शिव को रोकने के लिए बाड़ लगा दी थी। कुछ तीर उन्हें चुभ भी गए थे और अब वो गुस्से से कांप रहे थे। रुकिए नाथ! चिल्लाते हुए उन्होंने तीरों की दीवार को तोड़ने की कोशिश की, पर तब तक शिव क्रोध की वो दहरी लांग चुके थे जिसके आगे कुछ सुनने, सोचने, समझने की ताकत नहीं रह जाती थी उनके पास। सामने खड़े हल्के से मुस्कुराते बच्चे के लिए तो ये केवल आज्ञा पालन था जिसके लिए माँ उसे शाबाशी देने वाली थी, क्योंकि उसने किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया था। हालांकि अंदर से उसका मन हो रहा था कि अपने धनुष बाण को नीचे रखकर सामने खड़े इस अपरिचित की गोद में चढ़ जाए, उसके सीने से लग जाए, पर उसके लिए इंतजार किया जा सकता था। लेकिन अभी से उसके होठों पर मीठी सी शरारती मुस्कान थी। तभी गुस्से से आग बबूला शिव ने अपने त्रिशूल से उस पर वार कर दिया। पार्वती दौड़कर सामने आई, पर उससे एक क्षण पहले उनके प्यारे बेटे का सर धड़ से अलग हो चुका था। हतप्रभ पार्वती की गोद में उस बालक का सर देखकर महादेव शिव को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस पत्नी से मिलने की उत्कंठा में इस बालक पर उनका गुस्सा निकल आया था, उससे लिपटकर वो इस तरह क्यों बिलख रही थीं? क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कुछ टूट कर बिखर रहा था? उन्होंने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें मूंद ली। चंद आंसुओं की बूंदें रिस आईं। उन्होंने आगे बढ़कर पार्वती की पीठ पर अपना हाथ रख दिया। कुछ दुख था, कुछ दर्द और कुछ पश्चाताप। लेकिन पार्वती ने उन्हें पलटकर देखा तो वो चंद कदम पीछे हट गए। एक आहत मां की आंखें थीं वो। अपने बेटे का कटा हुआ सर गोद में रखे पार्वती कोई देवी नहीं, किसी शहीद बेटे की मां नजर आ रही थी। जो चीत्कार उनके गले से निकल रही थी उससे बेतरह दर्द, नाराजगी, बेबसी, तकलीफ और अपने पति पर बहुत बहुत गुस्सा जैसे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा था। दूर दूर तक, कायनात के कोनों तक उनके इस दर्द की पुकार पहुंचने लगी। देवी देवता स्तब्ध होकर कैलाश पर्वत की ओर रुख करने लगे। लेकिन इस अनिष्ट के बारे में जानकर उन देवताओं की भी शोकाकुल शिव की तरह ही पार्वती के पास जाकर ढाढ़स बंधाने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी धुंधलाई आंखों से आगे कुछ और देखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। ये कैसी लीला थी? शिव और शक्ति का अंश ऐसे कैसे खत्म हो सकता था? जाने कितना समय बीत गया। मैंने हिम्मत जुटाकर फिर से देखा। खूब सारे देवतागण शिव पार्वती के इर्द गिर्द घेरा बनाए खड़े थे। उनके चेहरे पर दुख और शोक के बजाय आशा झलक रही थी। क्या हो रहा होगा, मैंने सोचा। क्या किसी तरीके से बालक का कटा सर जोड़कर उसे फिर से जीवित किया जा सकेगा? हाँ, ये संभव था। इस शल्य चिकित्सा विज्ञान के तो ढेरों उदाहरण थे। तभी एक गण भागता हुआ आया। उसके हाथों में एक शीश यानी सर था, लेकिन किसी देवता या मानव का नहीं, हाथी का। तो क्या
कुछ ही देर बाद जब मैंने फिर से देखा तो अपना अनुमान सत्य होते पाया। शिव की गोद में उनके पुत्र का शरीर था जिसका शीश अब हाथी का था। पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस रूप में ही सही, उनका बेटा जीवित तो था। फिर भी उनके भीतर की मां अपने पति को माफ नहीं कर पा रही थी। सभी देवतागण उस बच्चे के शीश पर स्नेह से हाथ फेरने लगे। ये तय हुआ कि शिव के सभी गण इसे ही अपना इष्ट मानेंगे, अपना देवता मानेंगे। उसका नाम रखा गया गणेश। बड़ों के आशीष में सचमुच बहुत ताकत होती है, क्योंकि देखते देखते बाल गणेश का तेज सैकड़ों गुना बढ़ने लगा। सबने मिलकर मान लिया कि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले पूजा गणेश की ही होगी। पार्वती के चेहरे पर अब संतोष था। गणेश को प्यार करते उनका दिल भर आया। शायद सभी देवी देवताओं की स्वीकृति पाने के लिए ये लीला जरूरी थी। आज कैलाश पर खूब रौनक थी। तीनों एक साथ कक्ष की ओर जा रहे थे और हाथ जोड़े मैं धन्य हो रहा था। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही।